everyone, this is Salish Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. आज के इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें देखा था असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारा टाइप होता है, जिसमें हम लोगों ने किया था उसमें फिजन और टाइप्स ऑफ फिजन का बर्डिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन भी किया था और बर्डिंग किया था, यानी कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिजन और बर्डिंग किए थे, ठीक है, पार्ट 3 में। और नेक्स्ट पार्ट, आज के पार्ट में, पार्ट 4 में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट आगे का जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, और लास्ट में डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में, लगता है कि सेम ही है उन लोगों को, ओके। और एनसीईआरटी से इन तीनों टर्म्स, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन से जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, टेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा से एनसीईआरटी समझ में आए, है ना। और आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे मिलेगा इंट्रोडक्शन का, उसे भी जाके देखें। और पार्ट 4 को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन सारी के साथ मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार है। चलिए देखिए, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल इस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। स्पोर फॉर्मेशन ये तीसरा होगा टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग स्पोर समझ लेते हैं पहले क्या होता है। स्पोर्स ना एक टाइनी असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी या यूनिट होता है, ठीक है, जो एक सीड की तरह बिल्कुल काम करता है। सीड देखो छोटा सा, वैसे ये बस फर्क इतना है, ये ऐसा सीड है जो कि आपको खुली आंखों से नहीं दिखता, ठीक है, इसको कहीं पर लगा दोगे तो जर्मिनेट करके क्या बोले ब्रेड मोल्ड वगैरह बना देगा, ठीक है। तो स्पोर क्या होता है, सीड की तरह टाइनी असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है जो कि आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है। चलिए देखिए, तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है उसको हम लोग पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, कंप्लीट कर ही देता हूं, इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जो बड़ा फेमस है आपके बुक में जो मेंशन होगा वो है आप लोग का ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ब्रेड मोल्ड, जिसको हम लोग साइंटिफिकली राइजोपस फंगस भी बोलते हैं, राइजोपस फंगस बोलते हैं। और क्या होगा, फर्न होगा, सॉरी फर्न कॉमा मॉसेस, और एक फर्स्ट एंटीबायोटिक जिससे बनाया गया था पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम फंगस। आपके लिए ब्रेड मोल्ड एक एग्जाम्पल काफी है, ज्यादा से ज्यादा फर्न मोसेस पेनिसिलियम याद रखें, दो कोई याद रखे या तीन याद रखे, एक तो काफी आपके लिए। चलिए देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं, तो आप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, मतलब नया ऑर्गेनिज्म का बन जाना स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोले, बताए थे स्पोर क्या होता है, टाइनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है, वो कहीं पे भी बीज जैसा रहता है, लग जाए उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब इसको मैं डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, एक ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल देख समझते हैं, इसका डायग्राम भी कई बार फिगर पूछ सकता है एग्जाम में, देखिए कैसे बनाना है, ठीक है।
देखिए तीन तो बॉल आपको बनाना है, बॉल का बेस अटैच कर देना है, एस जैसा कुछ ऐसे करके बना देना है स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। उसके बाद दो बॉल चाहे यहाँ पे, तीन भी बना सकते, दो ही बनाइए काफी है, ठीक है, ऐसे अटैच कर देना है, ठीक है, अटैच हो गया। अब इसका नाम हम लोग को दे देना है, नेमिंग में अच्छा एग्जाम्पल में मिटा दे रहा हूं ताकि आप लिखने में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है, तो लिखने में आसानी होगा मेरे को। देखिए ये क्या था, स्प्रॉन्जियम, स्प्रॉन्जियम, ठीक है, दोनों को मिला के स्प्रॉन्जिया बोल सकते हैं, सिंगुलर स्प्रॉन्जियम होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, स्पोर्स, ठीक है। अब क्या होगा, सब स्पोर्स में स्पोर रहते हैं, ये स्पोर क्या होता है, ये ब्रेड मोल्ड है, ठीक है, ये क्या आप लोग का ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलिया सॉरी राइजोपस फंगस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना बच्चा, इसके अंदर दाना दाना, ठीक है, ये क्या है बेटा, स्पोर्स है। अब क्या होंगे, ये स्पोर जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसका स्पोर केस जो रहता है वो क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, स्पोर स्प्रॉन्जियम ब्रस्ट, या फिर स्पोर केस ब्रस्ट, स्पोर केस ब्रस्ट, ठीक है। अब ये स्पोर्स केस ब्रस्ट हो जाएगा, स्पोर आर रिलीज इन एयर, यहां लिख सकते हो स्पोर्स आर रिलीज, स्पोर्स आर रिलीज कहा, इन एयर, ठीक है, हवा में रिलीज हो जाता है। अब ये क्या होगा, स्पोर्स हवा में रिलीज होने पर उड़ते रहता है हवा में, ठीक है, और इसको जैसे ही कोई भी सुटेबल एनवायरमेंट, सुटेबल सब्सटेंस मिलता है, उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। जैसे कि बरसात के सीजन में आपने देखा होगा कि जब भी बरसात में आप कोई अपना जूता, ठीक है, या फिर कोई भी कॉटन या फिर रोटी वगैरह कुछ छूट जाए खुले में, उसके ऊपर देखते हो व्हाइट व्हाइट कलर का एक लेयर जम जाता है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड का, तो आप देख पा रहे होगा डायग्राम, ठीक है, तो वो कुछ नहीं, ब्रेड मोल्ड या फंगस होता है, ठीक है। जैसे आपका टिफिन लंच बॉक्स हो, वो लंच बॉक्स के अंदर क्या होता है, कई बार लंच, जैसे आप सैटरडे को गए स्कूल, लंच नहीं किए, लंच में ब्रेड था, ठीक है, और मंडे को स्कूल किसी तरह छुट्टी था, वो लंच बॉक्स मंडे को खुलता है तो देखेगा उसमें क्या होगा, संडे एक दिन रहा तो ब्रेड मोल्ड बन जाता है, फॉल स्मेलिंग आता है, काला काला या वाइट ग्रे कलर का हो जाता है, वो कुछ नहीं रहता, ब्रेड मोल्ड रहता है, ठीक है, यही रहता है। एग्जाम में एक याद रखिएगा, डायग्राम भी कर पूछ सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान है बनाना, आप देखिए होंगे। चलिए देखिए, तो आई होप आप बना लिए होंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं इसका, ठीक है। अच्छा, आगे स्टार्ट करने से पहले, हम लोग जाने से पहले एक चीज छूट गया, देखिए इसमें हम लोग रूट भी थोड़ा सा ऐसे तो चलेगा, थोड़ा सा ऐसे करके इसका रूट भी दिखा देना है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे भी आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मिला के हाइफी बोलते हैं, ठीक है, और आप इसको सिंपली स्टेम लिख सकते हो, आगे और भी पढ़ने डिटेल में, लेकिन अभी इतना 10th क्लास के लिए आई थिंक सफिशियंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, हाउ कि स्पोर फॉर्मेशन आखिर बेनिफिट कैसे, हाउ एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर्स को निकल जाते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन पढ़ा देना चाहिए, आपको काम आएगा एग्जाम में। चलिए देखिए आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे स्पोर फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाउ एन ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो चलिए इसको मैं स्किप कर सकता था, वीडियो छोटा होता, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, एनसीईआरटी का, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको। ये सिग्निफिकेंस करके आया, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट है। चलिए देखिए, तो स्पोर्स का क्या मतलब बेनिफिट है, कोई ऑर्गेनिज्म इससे प्रोड्यूस करता है। पहला ये है, स्पोर्स आर रिमेन डोरमेंट टिल द कंडीशन बिकम फेवरेबल, या फिर टिल द कंडीशन बिकम अवेलेबल। क्या लिखा, स्पोर्स कैन रिमेन डोरमेंट टिल फेवरेबल कंडीशन बिकम अवेलेबल। देखिए इसका मीनिंग समझिए, डोरमेंट मतलब होता है ऐसा कंडीशन, इनएक्टिव कंडीशन, जिसमें कोई सीड इनएक्टिव में चला जाता है जब मौसम उसके हिसाब से नहीं हो।
जैसे आप लोग देखे होंगे प्याज का जो क्या बोलते हैं बल्ब या फिर प्याज रखा रहता है, तो देखे होंगे बरसात के आसपास सीजन में ही उससे रूट वगैरह निकलने लगता है। जब उसके हिसाब से मौसम हो जाता है, उसके हिसाब से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होता है, तब ही निकलता है। साल भर रखा रहता है उस टाइम नहीं निकलता है। तो साल भर क्या रहता है, डोरमेंट कंडीशन, इनएक्टिव कंडीशन। उसमें क्या होता है, इनएक्टिव कंडीशन में उसका रेस्पिरेशन रेट सारा चीज स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, तो उसको डोरमेंट कंडीशन बोलते हैं। तो स्पोर क्या होता है, स्पोर आर रिमेन डोरमेंट, वो तब तक इनएक्टिव कंडीशन में रहता है जब तक मौसम उसके हिसाब से ना हो जाए, उसके हिसाब से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ना हो जाए। समझ में आया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, स्पोर्स आर टू लाइट एंड दे कैन बी कैरीज बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक विंड एटसेट्रा, सो दे कैन स्टार्ट ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस। तो स्पोर्स होता है वो छोटा सा बॉडी होता है जो कि कहीं भी आसानी से विंड से कैरी हो सकता है। अब विंड से कहीं जाके दूसरे जगह, मान लो यहाँ पे लगा हुआ सा ब्रेड मोल्ड, अब उससे स्पोर फॉर्मेशन हुआ, सॉरी इसमें स्पोरेंजियम उसका ब्रस्ट किया, अब ब्रस्ट किया बहुत सारा स्पोर्स रिलीज हो गया। अब वो स्पोर क्या होगा, दूसरे जगह जाके कहीं फैलेगा हवा में और जाके सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे जब सेटल डाउन होगा, उसको जब मौसम के हिसाब से पानी वानी सब मिल जाएगा उसके हिसाब से, तो फिर वहां पे अपना ब्रेड मोल्ड पूरा ग्रो कर लेता है। इससे क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन फैला, वही है। नेक्स्ट आप इसको डिस्पर्सन ऑफ सीड के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, कि स्पोर डिस्पर्सन ऑफ सीड में हेल्प करता है, एक जगह दूसरे जगह सीड फैल जाता है इसका। स्पोर्स आर टाइनी स्फेरिकल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड दे आर कवर्ड with a hard protective wall which enable them to survive during unfavorable condition. ये पहला ही वाला पॉइंट जैसा है। स्पोर ना एक टाइनी, मतलब स्पोर के एक बाहर में एक कवच रहता है, ऐसे ठंडा में जैकेट वैकेट कैसे कवच है हम लोग, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, लो टेम्परेचर से, वैसे ही स्पोर में भी ना एक छोटा सा क्या बोले कवरिंग होता है जो कि क्या करता है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, लाइक लैक ऑफ फूड, जब खाना की कमी हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, उसके हिसाब से ना हो, तो उसको बचाता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, वही लिखा हुआ है। स्पोर एक टाइनी छोटा सा असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, छोटा सा एक पार्ट है, टुकड़ा है, कंकड़ कभी छोटा दिखेगा नहीं आपको, इतना छोटा है, एंड हवा में उड़ते रहता है अभी भी, और स्पोर्स हमेशा उड़ते रहता है, किसी किसी स्पोर्स का एलर्जी भी होता है, सुने होंगे। And they are covered with hard protective wall. उसके बाहर में एक वाल होता है जो कि उसको unfavorable condition से बचाता है, like lack of temperature, यहाँ लिखे like high temperature, ठीक है, कभी कभार कम temperature, और कभी कभार क्या होता है मौसम में कुछ ऐसा बदलाव जो उसके हिसाब से ना उस सबसे, ठीक है। नेक्स्ट है जो लास्ट, multiply and many spores can be produced at once. So, the population of the organism increases. एक बार में ना स्पोर फॉर्मेशन से 1000-2000 उससे भी ज्यादा अमाउंट में स्पोर्स रिलीज होते हैं। अब वो स्पोर कहीं जाके सेटल डाउन हो गए तो बहुत सारा ब्रेड मोल्ड जन्म ले लेगा, ठीक है, इससे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, और पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो चांसेस है कि वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा वहां में। चलिए देख, तो स्पोर फॉर्मेशन ये कंप्लीट हुआ, आप इसका आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नीचे यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन मैं एडिट कर दूंगा। चलिए देखिए अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, अब देखेंगे रीजनरेशन कैसे होता है। देखिए रीजनरेशन जो है, मेरे ख्याल से फिफ्थ होना चाहिए, ठीक है, रीजनरेशन, फोर्थ होगा, ठीक है। तो रीजनरेशन क्या होता है, देखिए रीजनरेशन, देखिए रीजनरेशन एक प्रकार से प्रॉपर्टी बोल सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ये टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कोई कोई बुक इसको दर्जा भी नहीं देता है, बोलता है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन करता है कोई कोई ऑर्गेनिज्म से, हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल है, तो वो सब करते हैं, इसके वजह से इसको टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक प्रकार से प्रॉपर्टी होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है, फीचर होना चाहिए। क्या है पहले समझते हैं, देखिए रीजनरेशन कुछ नहीं होता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट या टुकड़ा टूट गया, जैसे मान लो हाथ मेरा कट गया, अब इससे एक नया इंसान मेरे से तैयार हो जाए, उसको बोलेंगे रीजनरेशन, मतलब बॉडी पार्ट खुद से रीजनरेट कर लेना, ठीक है। जैसे आप छिपकली वगैरह में भी देखे होंगे कि उसका पूछ कट जाता है,
तो पूछ से नया ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनता, लेकिन हाँ उसका पूछ वापस से आ जाता है तो रिजनरेट होता है। आप में भी होता है रिजनरेशन की कैपेसिटी, आपका जो लीवर है ठीक है, तो लीवर सबसे ज्यादा उसमें रिजनरेटिंग पावर रहता है। थोड़ा मोड़ा उसमें कट छट जाए हो जाए तो रिपेयर कर लेता है आसानी से, यहाँ तक कि आधा लीवर से पूरा लीवर रिजनरेट कर लेता है। अब काट कुट मत लेना अपना लीवर। चलिए देखिए कोई दिक्कत तो देखते हैं हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म में। तो रिजनरेशन सबसे पहले क्या होता है, पैरेंट ठीक है, इज कॉल्ड रीजनरेशन। आप लोग लिख लीजिएगा क्या है, पेरेंट्स बॉडी इफ कट और ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस ईच ऑफ व्हिच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अगर यदि पेरेंट्स बॉडी में कोई कट वट होता है और उस कट पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म ही डेवलप हो जाता है तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल क्या क्या है ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल में आ जाएगा मोस्ट फेमस एकदम जो बोलोगे ना एनसीईआरटी में रखा हुआ है प्लैनेरिया। क्या है, प्लैनेरिया। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रा। अब बोलोगे हाइड्रा तो सर आप बाइनरी फ्यूजन में भी सॉरी बडिंग में भी बताए थे बडिंग इन हाइड्रा, तो देख बेटा वो बडिंग भी कर, ऐसा नहीं एक ऑर्गेनिज्म एक कर रहा दूसरा नहीं करेगा, यह दोनों से करता है हाइड्रा। ठीक है, बडिंग भी कर लेता है और रीजनरेटिंग पावर भी इसमें अच्छा खासा होता है कर लेता है। प्लैनेरिया हाइड्रा आपके लिए तो इतना दो काफी है। ठीक है, और कोई ऑर्गेनिज्म, एक स्टारफिश एंड स्टारफिश, स्टारफिश ठीक है, प्लैनेरिया दीजिएगा एक एग्जांपल काफी है, लेकिन दो तीन कम से कम याद रख लो। चलो देखो अब प्लैनेरिया का मैं अच्छे से समझाता हूँ भी अच्छा से। ठीक है, डिफिनेशन तो समझ गए, फिर भी एक बार अच्छा से प्लैनेरिया देखो। प्लैनेरिया ना एक सिंपल सा छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, मासूम सा। ठीक है, बनाना बड़ा आसान है, कभी कभार एग्जाम में दे देता है तो आप देख लीजिए कैसे बनाना है, बहुत आसान है। थोड़ा मोटा बनाना चाहिए था, बन गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दो आई स्पॉट दिखा देना है इसका। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे ठाकुर एक हाथ वाला। ठीक है, ये बन गया प्लैनेरिया, पैरेंट प्लैनेरिया है। कौन सा, पैरेंट प्लैनेरिया, पैरेंट प्लैनेरिया। अब ये क्या करेगा, कट हो जाता है इसका बॉडी में, मान लो तीन पार्ट में कटा, बेचारे का मुंडी, यहां आई स्पॉट था, ये ऐसे कटा, मिडिल पार्ट भी कट गया इसका, इसमें ठाकुर का एक हाथ था है ना, और इधर इसका पुच्छी। ठीक है, अब क्या हुआ, तीन पार्ट में कटा, ये तीनों पार्ट से ना रीजनरेट कर जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं रीजनरेशन, री रीजनरेशन। देखो मैं स्लो लिखता हूं इसीलिए मैं कई बार लिख लेता हूं जब ज्यादा लिखना रहता है। ठीक है, रीजनरेशन से क्या होगा, ये तीन प्लान एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पार्ट जो इसका डायरेक्ट लाइन खींचोगे तो अच्छा है ऐसे ऐसे। ठीक है, रीजनरेट अब बना दिया, क्या होगा, छोटा छोटा प्लान एरिया बनाने हैं, आई स्पॉट, यहां इसका हाथ बन गया। देखो बायोलॉजी में ये जरूरी नहीं मतलब आपका कलाकारी अच्छा हो, बस जो आप दिखाना चाह रहे हो वो एग्जामिनर को अच्छा से टीचर को समझा दो। ठीक है, बाकी जरूरी नहीं कि आप एकदम अच्छा सा डायग्राम बनाओ, बस इतना साफ सुथरा बनाओ कि टीचर को समझ में आ जाए, है ना, आई स्पॉट। ठीक है, तो तीन प्लान एरिया बन गए, कोई दिक्कत। चलिए देखो, तो ये है आपका रीजनरेशन इन प्लान एरिया। ठीक है, फिगर में क्या लिखोगे, रीजनरेशन दिख रहा है, हाँ
क्षमा कराया ना, कोई बात नहीं, हम लोग लिख देंगे ऊपर, लिख लीजिएगा रीजनरेशन इन प्लानेरिया, एकदम एग्जाम्पल है। हाइड्रा में भी होता है, दोनों करता है हाइड्रा। स्टार फिश में एक बार देखोगे उसका कोई आर्म स्टार जैसा रहता है, एक दो आर्म कट वट हो जाता है तो रीजनरेट कर लेता है ना। चलिए देखिए अब इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी देखने से पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। आई होप आपने लिख दिया होगा। देखिए रीजनरेशन जो है ना वो कुछ स्पेशल सेल के थ्रू कैरी किया जाता है, ठीक है। सारा सेल नहीं कर सकते रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। और दूसरा बात जो रीजनरेशन का है, ये इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत कोई टाइप नहीं मानते। क्यों क्यों नहीं मानते? तो रिप्रोडक्शन का टाइप इसलिए नहीं मानते कि कोई की एक ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। प्लानेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, इस पर डिपेंड नहीं रहता। मान लो पूरा जिंदगी में यह बॉडी पार्ट कभी कटा ही नहीं, किसी एक्सीडेंट से नहीं कटा, तो क्या रिप्रोडक्शन नहीं करेगा? करेगा। कैसे करेगा? तो प्लानेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कर सकता है, ठीक है। हाइड्रा को तो आप जानते ही हो, बर्डिंग से कर लेगा। स्टार फिश उसका भी कुछ मेथड होगा, ठीक है। इसलिए इस पर डिपेंडेंट नहीं रहता है सिर्फ, ठीक है। तो इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप नहीं माना जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर दिए एनसीईआरटी में कुत्ता है, डॉग है, उसका टेल कट जा रहा है, तो उस टेल से पूरा डॉग का ही नहीं जनरेट हो जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन मांगा है एनसीईआरटी में, अब उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि आखिरकार एक कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब में उसका कोई एक छोटा सा पार्ट कट जाए तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म का ही नहीं डेवलप हो जाता है। जैसे मेरा ही पार्ट, ये हाथ कट जाए, इस हाथ से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप का ही नहीं हो जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला, देखिए बड़ा आंसर सिंपल है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, लिखने के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा आपको। चलिए देखिए, लेकिन समझाता हूँ पहले। देखिए जो प्लानेरिया वगैरह होता है वो बड़ा सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें एक ही टाइप का समझो कुछ एक दो तरह का सेल पूरा बॉडी बना लेता है, ठीक है। उसमें हम लोग के जैसा मुंह आंख नाक कान नहीं होता। आप बोलोगे उसमें आंख होता है, सो वो आंख बस इतना डिटेक्ट कर सकता है कि लाइट है बाहर, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वहां, ठीक है। तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं बॉडी में उसका, ठीक है। एक दो तरह का सेल है पूरा उसी से बॉडी मिलके बना है टाइप का। लेकिन हम लोग का केस में किडनी का सेल अलग होता है, न्यूरॉन्स नेफ्रॉन, ठीक है, नर्व सेल अलग है, लीवर सेल अलग है, ठीक है, आई के लिए अलग है, ठीक है, हार्ट के लिए अलग है, अलग तरह का कार्डिक सेल है, ठीक है। हर एक टाइप के लिए, हर एक ऑर्गन के स्पेशल सेल है। अब अगर दी मान लो ये हाथ मेरा कट जाएगा, इस हाथ में लीवर सेल नहीं है, किडनी सेल नहीं है, तो ये लीवर सेल किडनी सेल नहीं बना पाएगा। भले थोड़ा मोड़ा रिजनरेट करके कादू कुछ हाथ का ही टिश्यू वगैरह मसल सेल्स बना ले, समझ में आया। अब इसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, सेल नहीं है, लीवर सेल नहीं है, लीवर सेल का न्यूक्लियस नहीं है, तो लीवर सेल कैसे बना पाएगा, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, प्लानेरिया में क्या होता है, उससे मिलता जुलता सेल ही रहता है, एक ही टाइप का सेल रहता है, तो एक सारा मास ऑफ सेल बन जाता है, उसमें से एक दो ठो कुछ स्लाइट चेंज आता है, हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज आता है। हम लोग में तो बहुत ज्यादा चेंज चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, समझ में। अब इसी को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो देखिए मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेल बाय सेल, सेल बाय सेल रिप्रोड्यूस नहीं, एक सेल से दूसरा सेल बने दूसरा सेल से नहीं बनेगा, बिकॉज दे आर नॉट सिंपल रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। ऐसा नहीं कि आप सेल के मतलब गोबर हो सेल के, ठीक है, कैसे भी हम लोग में बहुत ऑर्गेनाइज्ड में रखा गया सेल, आंख वाला सेल यहाँ रहेगा नीचे नहीं, ठीक है, बहुत सारा अरेंजमेंट रहता है। दे हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या टिश्यू। हम लोग में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बहुत खतरनाक वाला, कॉम्प्लेक्स हार्ड मतलब जिसका स्ट्रक्चर आसान नहीं हो वैसा वाला सेल है, ठीक है, उसमें भी अलग अलग सेल टिश्यू है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का नर्व सेल है, किडनी सेल है, नेफ्रॉन्स है, न्यूरॉन्स है, ठीक है, विच फॉर्म ऑर्गन, जो कि ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, आप तो पढ़े हो सेल सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल चीज लिखा हुआ है, ठीक है, लंबा करने के लिए। एंड फाइनली जो ऑल ऑर्गन सिस्टम होता है वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए। तो देयर फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू रीजनरेशन, दे नीड अ मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। उन लोग को और कॉम्प्लेक्स वे ऑफ, देखिए कॉम्प्लेक्स चीज को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का भी जरूरी होता है, जहर को जहर काटता है, ठीक है, वैसे यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाना है तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी तो चाहिए, समझे। चलिए अब आगे देखने वाले हम लोग, तो आ जाओ अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अरे यार सीरियल नंबर भूल जाता हूँ, ये फ्रैगमेंटेशन फोर्थ होगा, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन,
देखिए आपको फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन एक जैसा लगता होगा, पर इसको समझाने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन पहले लिख लेता हूं, इसमें भी कुछ नहीं समझ लो। एक पैरेंट बॉडी होता है और टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे होता है ना डेयरी मिल्क वगैरह का बाइट वाइट आता है, फ्रेगमेंट्स आता है, तोड़ते हो उसको, बांट देते हो, लो लो लो, ठीक है, तीन चार टुकड़ा में तोड़ते हो, फ्रेगमेंट्स में बांट देते हो, ठीक है, मतलब छोटा एक बड़ा टॉफी से छोटा छोटा टॉफी बन गया, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ के। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। एग्जाम्पल स्पाइरो वगैरह पहले लिख लेता हूँ, इसमें क्या है, लिखते टाइम थोड़ा फास्ट कर दूंगा वीडियो, फिर नॉर्मल हो जाएगा आफ्टर लिखने के बाद, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इसमें क्या होगा, पेरेंट्स बॉडी ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस या फिर फ्रैगमेंट्स, पेरेंट्स बॉडी ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस या फ्रैगमेंट्स ऑन मैच्योरिटी, पेरेंट्स बॉडी, इसका पेरेंट्स बॉडी ब्रेक इंटू मल्टीपल पीसेस या फिर फ्रेगमेंट्स ऑन मैच्योरिटी, ये वर्ड बहुत मेंशन करना, ऑन मैच्योरिटी ईच ऑफ मीन्स गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल फेमस जो है वर्ल्ड फेमस एग्जांपल स्पाइरो गैरा, स्पाइरो गैरा, कौन सा गैरा, स्पाइरो गैरा, ठीक है। और एक है सी एनिमल, ठीक है, सी एनिमल, ठीक है, नाम से काम पता चल, सी उम पाया जाता होगा, टेंशन मतलब एक याद रखो कि जिंदगी काफी अच्छी कटेगी आपकी टेंथ क्लास, ठीक है, फोटो में तो देख पा रहे हो दोनों को। चलो देखो अब अच्छा समझते हैं, इसमें क्या होगा कि पेरेंट्स बॉडी ना टूटता है, अब तुमको कंफ्यूजन हो, रीजनरेशन में भी टूटता था सर आप बोले थे, देखिए हाँ उसमें भी टूटता है, लेकिन यहाँ देखो एक वर्ड आया ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन का टाइप है, बोले थे ना रीजनरेशन एसेक्सुअल का कंसीडर्ड भी नहीं किया जाता कई बार, काहे सो बताएं कि रीजनरेशन वैसा एक क्या प्रकार क्या प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें क्या है ऑन मैच्योरिटी, जैसे स्पाइरो वगैरह है, डायग्राम से समझाता हूँ, स्पाइरो वगैरह भी अगर दिख जाए मैं बहुत आसान ऐसे से बना लेना एस टाइप का कुछ शेप, ठीक है, ऐसे डबल थोड़ा कर देना है, थोड़ा लंबा ठीक है, डबल लेयरिंग कर देते हैं, हो गया। अब अंदर में क्या करते हैं, कुछ कुछ सेपरेट कर देते हैं, दून मान लो तीन टुकड़ा में तोड़ना, थोड़ा और लंबा कर दो, हो गया। चलिए देखें अब कुछ नहीं करना, डिजाइन लगाना, मेहंदी लगा देते थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से भी ऐसे ऐसे ऐसे, 11th या 12th क्लास में आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का आता है, वाटर में पाए जाते हैं, फिर एक और लेयर ऐसे ऐसे सजा दो, ठीक है, ये स्पाइरो वगैरह तैयार हुआ। कहीं कहीं न्यूक्लियस दिखा सकते हो, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ऐसे आपको उतना दिखाने की जरूरत काफी इतना। अब क्या हुआ, ये तीन पार्ट में बताए थे कि यहां से एक ऐसे है, एक यहां टूट रहा है, यहां पे टूटेगा। अब अगले में क्या होगा, जैसे ही टूटा स्पाइरो वगैरह, फिर से वही चीज बनाना है भाई जो बनाए थे, ठीक है, हो गया। इसको भी मिडिल वाला पीस यहां से जो टूटा था, ठीक है, बीच मिडिल वाला हो गया, चलो देखो ये तीन स्पाइरो वगैरह में बन गया, पहले एक स्पाइरो वगैरह था, अब तीन हो गया।
ध्यान से देखो, ये लिख देना पैरेंट स्पायर वगैरह, पैरेंट स्पायरो गायरा, और ये क्या है, न्यू थ्री न्यू स्पायरो गायरा, ठीक है, तीन नया डॉटर स्पायर वगैरह बोल सकते हो बनाया। चलिए देखिए, अब इसमें समझो, इसमें ना बहुत सारा न्यूक्लियस है हर एक बॉडी पार्ट में, तो जितना में टूटेगा उसमें एक दो न्यूक्लियस आ ही जाता है, और न्यूक्लियस में तो पूरा बॉडी कैसा बनेगा, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर सारा होता है डीएनए में, ठीक है। तो जिसके वजह से जो हर एक पीस जो टूटा है ना उसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म वो बन जाता है, ये तीनों नया एकदम स्पायर वगैरह बने ही बने बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियस चाहो दिखा सकते हो, ऐसे कोई खास जरूरी नहीं, ठीक है। तो लगभग तीनों एक नया स्पायर वगैरह बनेगा ही बनेगा, फिक्स है, ठीक है। और दूसरा, जिस टाइम ये इससे अलग हुआ उसी टाइम में घोषणा कर देता है कि नया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, टाइम वाइम नहीं लेता है। इसमें है क्या, मुंडी आंख का नाक कुछ कुछ डेवलप करने की जरूरी नहीं, बस छोटा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ, रीजनरेशन में याद करना, प्लानेरिया में थोड़ा मोड़ा उसका मुंडी पूछी और मिडिल पीस बनाना रहता था बेचारा को, तो टाइम लगता था, ये नहीं कि टूटे उसी टाइम नया ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट बन गया, नहीं, टाइम लगता था। तो एक डिफरेंस हुआ, ठीक है, ऐसे भी देखूंगा हम लोग, देखेंगे। तो ये नया पुराना स्पायर वगैरह से तीन नया स्पायर वगैरह बना, सी एन ईमन का आपको पढ़ना नहीं, बस नाम काफी है, ठीक है। तो क्या है, पेरेंट्स बॉडी, एक याद करो दूसरा फ्री में हो जाएगा। अगर दिया आपको रीजनरेशन का डिफिनेशन था, क्या था, पेरेंट्स बॉडी इफ कट और ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस ईच ऑफ पीस गिव राइज टू एन इंडिविजुअल, इसमें भी वही है, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड का अंतर है। पेरेंट्स बॉडी ब्रेक या फिर ब्रेक्स ऑन मैच्योरिटी, याद रखना, यहाँ उसमें मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे खुद टूटता है, उसमें पानी वानी टूटा टूटा नहीं तो दूसरा मोड से रिप्रोडक्शन करता है, जैसे बताए थे प्लानेरिया सेक्सुअली कर लेगा, हाइड्रा बडिंग से कर लेगा, ठीक है। ये मैच्योरिटी होने पर स्पायर वगैरह खुद ब्रेक कर जाएगा अपने आप, ठीक है, जैसे फल कैसे होता है खुद गिर जाता है ना पेड़ से, जब मैच्योर होता है तो वैसे ही खुद टूट जाएगा, ठीक है, और वो टूट के हर एक नया टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म को बना लेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, डिफरेंशिएट देखेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, तो आप पहले इसको लिखिए, लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। लेकिन आगे देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेंगे कि फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन में क्या अंतर है। देखिए, पहला डिफरेंस बेसिक तो ये है कि जो फ्यूजन होता है ना वो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मल्टीसेलुलर में नहीं होता, लेकिन फ्रैगमेंटेशन है वो मल्टीसेलुलर में होता है। दूसरा, जब फ्यूजन अलग होता था तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बडिंग इन हाइड्रा, सॉरी फ्यूजन में, बाइनरी फ्यूजन में अमीबा, तो जब वो कंप्लीट बन जाता था लगभग तब टूटता था, यानी टूटता उसी टाइम में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो आप पहला तो एकदम बेसिक सा लिख सकते हो, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन होता है, ठीक है, जैसे अमीबा एक ही सेल वाला में, और इसमें मल्टी सेलुलर में, स्पायरोग्राम मल्टी सेलुलर में आता है, भले उसमें कोई स्पेशल सेल नहीं है पर मल्टी सेलुलर में आएगा। अब आ जाओ डिफरेंशिएट, अगर ये आपको देखने में तकलीफ होगा तो हम स्क्रीनशॉट कोशिश करेंगे कहीं में, क्या बोलते हैं, लगा देने का डिफरेंशिएट, ठीक है, लास्ट में लगा देंगे डिफरेंशिएट बिटवीन दोनों का। अभी देख लीजिए, पहला है इट ऑकर इन मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंटेशन इधर है, दूसरा उधर रीजनरेशन है। देखो, जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं देखोगे दोनों का अच्छा से नहीं समझ सकते हो। चलो देखो, इट ऑकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिसका बॉडी सिंपल ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि स्पायर वगैरह, मास ऑफ सेल था, ऐसे ऐसे बना के दिखाए थे ना, लेकिन उसमें कोई आंख मुंह कान का ही दिख रहा था, नहीं, सिंपल ऑर्गेनिज्म था। लेकिन वही अगर हम रीजनरेशन में बात करें, प्लानेरियम कम से कम पता चल रहा था, मुंडी है, हाथ है, इधर पूछी है, आंख है, तो इस थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है रीजनरेशन। इट अकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो रही है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका थोड़ा सिंपल है, पहला डिफरेंस समझ में। दूसरा, इन फ्रेगमेंटेशन अन ऑर्गेनिज्म ब्रेक विद पीसेस एंड ईच पीसेस डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल। स्पायरो वगैरह जैसे में क्या होता था, एक इंडिविजुअल टूटता था और वो हर एक इंडिविजुअल टूटा हुआ वो नया ऑर्गेनिज्म में बन जाता था, न्यू इंडिविजुअल में। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा जरूरी नहीं, क्या उसमें स्पेशल सेल चाहिए होता है पूरा बॉडी बनाने के लिए, अगर भी उसमें स्पेशल सेल होगा तो पूरा बॉडी बना पाएगा, और नहीं टूटा हुआ ऑर्गेन में स्पेशल सेल है पूरा बॉडी बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा बॉडी। जैसे क्या है, इन रीजनरेशन और ऑर्गेनिज्म ब्रेक
in regeneration an organism if break into pieces, each pieces may or may not be developed into new individual. हो भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है उसका स्पेशल सेल पे, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस गया है उसमें है सारा कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने का कि नहीं, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. नेक्स्ट, लेकिन इसमें जितना में टूटा है बनेगा ही बनेगा. इन दिस प्रोसेस नो टाइम इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई प्रोसेस में टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है, जिस टाइम टूटा उसी टाइम घोषणा कर देता है कि भाई लोग हम अब अलग ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, ठीक है, बेकार हो गए हैं, ठीक है, जिस टाइम टूटा उसी टाइम. लेकिन इन दिस प्रोसेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू डेवलप द लॉस्ट पार्ट. इसमें मान लो बताया था रीजनरेशन में प्लानेरिया में अगर माथा टूट गया उसका, तो माथा टूटा है तो माथा तो है उसके पास लेकिन उसको मिडिल पीस और टेल बनाने के लिए टाइम चाहिए डेवलप करने के लिए. लेकिन इसमें कुछ टाइम ही नहीं, सब चीज बना हो रहा था, बस टूट गया तो इसमें कुछ हाथ पैर था ही नहीं, टूटा उसी टाइम बोलता है नया ऑर्गेनिज्म. इसमें लॉस्ट पार्ट को रिकवर करने का टाइम लगता है, जैसे रीजनरेशन छिपकली में होता है, तो ये थोड़ी ना छिपकली का पूछ टूटा और वहां फटाक से तुरंत एक नया पूछ सट से लग जाएगा, नहीं, टाइम लेता है ना डेवलप होने में लॉस्ट पार्ट, एक दो दिन, तीन चार दिन, वैसे ही. चौथा, नो स्पेशलाइज सेल आर इन्वॉल्व, इसमें कोई स्पेशल सेल नहीं होता है, ठीक है, और इसमें स्पेशल सेल्स आर इन्वॉल्व, जिसके वजह से मे और मे नॉट बी वाला कंसेप्ट है, बन भी सकता है, स्पेशल सेल था टूटा हुआ पार्ट में पूरा डेवलप कर लेगा, ठीक है. फिफ्थ क्या है, आफ्टर स्प्लिटिंग डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हो गए, जिस टाइम टूटा उस टाइम इसके पास सारा चीज होता है जो एक ऑर्गेनिज्म पास उसमें होना चाहिए, स्पाइरोग्राम जो होना चाहिए होता है, तो वो नहीं भी डेवलप करेगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी साइज में खाली छोटा रह जाएगा. और इसमें आफ्टर स्प्लिटिंग जब वो टूटा तो डेवलपमेंट एकदम नेसेसरी है, काहे लॉस्ट पार्ट बनाना भी तो है, तो आफ्टर स्प्लिटिंग द डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू गेन द लॉस्ट पार्ट, जो लॉस्ट पार्ट हो गया उसको तो रिकवर करने के लिए उसको चाहिए ना टाइम, ठीक है, या करना ही करना है उसको, तभी तो ऑर्गेनिज्म बना पाएगा, नहीं तो काहे का ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जबकि स्पाइरोग्राम ऐसा केस नहीं है, ठीक है. तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एनसीईआरटी का मैं सारा क्वेश्चन को आंसर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को भी ले रहा हूं, है ना, आपको दिक्कत हो रहा है मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ बगल में डिफरेंस, ठीक है, ताकि क्लियर, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बाकी जो इंपॉर्टेंट हो एग्जाम में तो आपको बता ही दूंगा. और अगला पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिफ्थ पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है. और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, थैंक यू. और पार्ट वन भी जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, शुरू से देखें ज्यादा समझ में आएगा. अच्छा सॉरी, एक चीज मैं बताना भूल गया कि फिफ्थ पॉइंट के बाद आप सिक्स पॉइंट भी बना सकते हो, एक एग्जांपल लिख दीजिएगा, इधर क्या लिखिएगा फ्रेगमेंटेशन वाला में एग्जांपल में लिख देना फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोग्राम सी एनिमल, इधर का लिख दीजिएगा लास्ट में क्या रीजनरेशन में प्लानेरिया हाइड्रा और स्टारफिश, ठीक है, एक और पॉइंट बन जाएगा. और देखो जब भी डिफ्रेंशिएट करना था टेबुलर फॉर्म में करना है, ऐसे इधर फ्रेगमेंटेशन पैराग्राफ में मत लीजिएगा, नंबर कटेगा दूसरा, ठीक है, एक के बगल में जस्ट उसका ऑपोजिट वाला, तो आसान होता है. जैसे इन फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस, ईच पीसेस मे और मे नॉट डेवलप इनटू न्यू, यहाँ वही चीज लिखे मे और मे नॉट कर दिए, तो इससे आसान होता है एग्जामिनर को चेक करने में और लिखने में भी आपको, ठीक है. और दूसरा पहला डिफिनेशन लिखो और लास्ट में एक एग्जाम्पल, दो पॉइंट हो गया. अब इतने निकम्मे तो आपको नहीं, एक दो पॉइंट तो अपने से लिख ही लोगे सर खोज खाज के, ठीक है, थैंक यू.